आज मैं आप लोग को व्हाट्सएप के एक नए फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि व्हाट्सएप ने फ़िलहाल अपडेट किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है और ख़ास करके जो आईफोन यूज़र हैं उन लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। वैसे आप लोग को सबको पता ही है कि व्हाट्सएप से जब भी हम किसी को फ़ोटो सेंड करते हैं तो उसका क्वालिटी जो होता है ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाता है, लेकिन क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स करके भेजते हैं। लेकिन आईफोन में जब भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स करके भेजते हैं, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली वो फाइल ओपन होता है, वो गैलरी एक्सेस नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम लोग को पहले गैलरी से फ़ोटोज़ कॉपी या मूव करके फाइल में रहना पड़ता है, देन हम लोग को डॉक्यूमेंट्स करके सेंड करना पड़ता है। लेकिन अभी जो नया फीचर्स है उसके वजह से हम लोग डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं विदाउट डिक्रीज क्वालिटी। जैसे कि आप लोग इधर देखेंगे फ़ोटोज़ सिलेक्ट करते हैं, वैसे कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि ऊपर देख पा रहे होंगे HD करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हैं देन क्वालिटी चूज़ करते हैं देन डन करके जैसे ही सेंड करते हैं तो वो क्वालिटी जो है वैसे ही रहता है, सेम रहता है, कोई क्वालिटी डिक्रीज़ नहीं होता है। अभी मैं आप लोग को जूम करके दिखाता हूँ, जो क्वालिटी है वो सेम वैसे ही रहता है। अगर आप लोग को अपना व्हाट्सएप में ये फीचर्स नहीं शो कर रहा है तो आप जाके स्टोर से अपडेट कर लीजिए अपने व्हाट्सएप को, फिर आपको दिख जाएगा।